यही आपसे निवेदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटक चुनाव के आगे जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी लगातार रैलियां कर रही है। जनता से लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं, साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के चिक्कमगलुरु से कांग्रेस पर हुंकार भरी। तो किसका रिजर्वेशन लोगे? वोकालिंगा का रिजर्वेशन लोगे? एससी का रिजर्वेशन लोगे? लिंगायत का रिजर्वेशन लोगे? एससी का रिजर्वेशन लोगे? किसका रिजर्वेशन लोगे? इसलिए सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से काम करने का काम हमारे हाथ किया गया है। आजकल कांग्रेस के लोगों को लिंगायतों की बड़ी चिंता हो गई, बहुत चिंता हो गई। आप बताइए, निजलिंगप्पा क्या थे? लिंगायत थे कि नहीं थे? उनको बेइज्जती करके निकालने का काम किसने किया था? आप बताइए, ये पाटिल साहब जो मुख्यमंत्री थे उनको बेइज्जत करके निकालने का काम किसने किया था? कांग्रेस की सरकारों ने किया था। आज बहुत बड़े आप हितैषी लिंगायत के बनते हैं। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के धारवाड़ में रैली की, जहां से उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के नेताओं ने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन की है। क्यों की है भाई? मैंने कहा कि पीएफआई पर हमने बैन लगा दिया, हमने कर्नाटक को सुरक्षित किया। मैं नहीं डरता भाई, वोट बैंक की लालच में एक कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई को सर पर चढ़ा कर रखा था। हमने पीएफआई के नेताओं को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी सरकार। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के जेवरगी में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आप जानते हो कि कर्नाटक में जो सरकार है वो चोरी की सरकार है। कर्नाटक राज्यदल्ली इतकंत सरकार ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ। सबसे पहले वो सरकार आपने नहीं चुनी थी, ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ। ಬಿಜೆಪಿ के लोगों ने पैसा देकर एमएलए खरीद कर वो सरकार चोरी की। बता दें, कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को मतदान होगा और परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे।